www.attableek.com The Reviver of Iman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ <سؤال> زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو Muslim اور ہماری خواتین Muslim بہنیں اور Muslim سے से मुता जो तफसर शुरू हुई है उसमें हमने अकमल हाकमीन की सूरत से मुतक कुछ बातों को सुना ये सूरत की इब्तदाई आयात है और पहला रुकू है शाहू ने अपनी सूरत का आगाज अपनी तारीफ से फरमा और इस सिलसिले में मैं अगली मजलिस में बता चुका हूँ कि अल्लाह को अपनी मिदहत और अपनी तारीफ बहुत पसंद है दुनिया वालों को तो मना किया गया कि तुम अपनी तारीफ के खाहा मत बनो अपनी तारीफ के चाहने वाले न बनो अपनी तारीफ लोगों से न करवाओ बल्कि अब्दीत को इख्तियार करो आजिज़ी को इख्तियार करो इनके सारी को इख्तियार करो और अगर कोई तारीफ़ करें तो उससे कह दो कि भाई हकीकत ये है कि मेरी तारीफ नहीं अल्लाह ही की तारीफ है तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया। मर्तबत किताब जो है बहुत अजीम किताब है कुरान करीम इस कुरान के मुतालिक आगे बयान किया गया कि वलम यजा वजह और इस कुरान में कोई तेरापन नहीं रखा है कोई कजी नहीं रखी है कोई कभी नहीं रखी है इस कुरान करीम के अंदर मजमून के अतबार से भी कोई कमी नहीं मानी के अतबार से भी कोई कमी नहीं इस कुरान में झूठ का दूर दूर का शुबा तक नहीं हो सकता है ये कुरान मुक़दस अपनी जगह उस अल्लाह की किताब है जो आलिम व शहादा है जिसके सामने रात भी दिन है और दिन भी दिन है जिसके सामने अंधेरा कोई चीज ही नहीं है वो सातो जमीन के नीचे चलने वाली चूंकी की आवाज को भी सुनता है उस रब करीम की ये किताब है जिस किताब के बाद कोई शक शुबा झूठ की आमेजिस बुराई और इस तरह पर कोई ऐसा मजमून अल्लाह ने बयान कर दिया हो जो कल को इंसान जुतला दे नहीं हो सकता है जो कजरवी से पाक है वलम यज़ा जो तेरेपन से पाक है साफ सुथरी बातें अल्लाह कुरान करीम में फरमाई इसीलिए शाहानु जब जब भी कुरान में एग्जाम्पल और मिसालें देते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल और मिसालें देते हैं कि जिसमें आम इंसानों के लिए समझना भी आसान हो जाता है अगरचे कुरान करीम के हक और दकाइक बड़े अजीब हैं कि आज चौदह सौ बयालीस साल हो गए लोग कुरान को खोलते जा रहे हैं और क्यामत तक खोलते चले जाएंगे दुनिया के केलूम पूरे हो सकते हैं अल्लाह के केलूम पूरे नहीं हो सकते इसलिए कि कुल्लकानल बिदादली रबीदाहमात रबी बोलो जी नाबी ही मददा समंदर को सियाही बना दो और दुनिया के जितने दरख्त है चाहे वो नॉर्थ अमरीका के हो साउथ अमरीका के हो चाहे वो एशिया के चाहे वो अरब के कहीं के भी हो पूरा अफ्रीका के सारे जंगलों के दरख्तों को काट डालो और उन तमाम दरख्तों को काटने के बाद सबके कलम बनाओ और अल्लाह की तारीफ लिखना शुरू करो दरख्त के कलम कम पड़ जाएंगे समंदर की स्याही कम पड़ जाएगी लेकिन अल्लाह की तारीफ पूरी नहीं हो सकती उसकी वजह क्या है क्यों पूरी नहीं हो सकती है उसकी वजह यह है कि हर चीज के पीछे हर इंसान के पीछे दुनिया के हर शहर के पीछे जब अल्लाह ही हो तो आपकी तारीफ करें उसके पीछे अल्लाह आपकी तारीफ इनके पीछे अल्लाह आपकी तारीफ इनके पीछे अल्लाह तो दुनिया के अरबों खरबों इंसानों की तारीफ के पीछे अल्लाह तो ही की तारीफ है अब कितने इंसानों की तारीफ लिखोगे और तारीफ लिखोगे हर चीज हर इंसान के पीछे अल्लाह की तारीफ है फिर किसी के हुस्न पर तारीफ़ हो रही है तो इसके पीछे अल्लाह है किसी के हुनर पर तारीफ हो रही है तो उसके पीछे अल्लाह है किसी की बौदी पर तारीफ हो रही है तो उसके पीछे अल्लाह है किसी की बीनाई की खूबसूरती पर तारीफ हो रही है तो उसके पीछे अल्लाह है किसी के हुस्न और जमाल पर तारीफ हो रही है तो उसके पीछे अल्लाह है अब एक तो अरबो खरबो इंसान मर्द और औरतें और फिर हर एक के अंदर मुख्तलिफ जौहर जो अल्लाह ने रखे हैं उन तमाम जौहरों की तारीफ करते चले जाओ कयामत का सवेरा हो जाएगा अल्लाह की तारीफ पूरी नहीं हो सकती ये तो मैंने सिर्फ इंसान की मिसाल दी वरना बट और परिंदों में चले जाओ किस किस तरह के रंगों के परिंदे अल्लाह ताला ने और बट पैदा किए हमारी अकल और तस्वुर से बाहर है अब उसकी तारीफ पे चले जाओ तो उसकी तारीफ के पीछे अल्लाह की तारीफ होगी फिर इसके साथ समंदर में बेशुमार मखलूक अल्लाह ने पैदा की है बल्कि रिवायतों में है कि जमीन पर जितनी मखलूक है उससे ज्यादा समंदर में मखलूक जगता शाहू ने पैदा फरमाई है अब समंदर की मखलूक की तारीफ पर चले जाओ तो उसके पीछे अल्लाह ही की तारीफ है फिर खुद समंदर की तारीफ पर चले जाओ तो समंदर के पीछे अल्लाह की जात तो है कि इतना पानी का ढेर सारा बहाव किसने बहा दिया उसके पीछे रब करीम की जात है तो दुनिया की जिस चीज की भी आप तारीफ करोगे इन तमाम के पीछे हमारे जो है आका व मौला और हमारे रब और मुरबी Allahi की जात है तो अब कितनी चीजों की हम तारीफ करेंगे जाहिर सी बात है कि हमारे अकलाम और कलम खत्म हो जाए पानी खत्म हो जाए सियाही खत्म हो जाए समंदर खत्म हो जाए हमने खुद जब आ, वो समंदर को देखा मरज अल बहरा बेन हम बरसखल्ला दुनिया में कुछ समंदर वो हैं कि जो एक साथ चलते हैं और इसका पानी इसमें नहीं जा सकता और इसका पानी इसमें नहीं जा सकता आप अफ्रीका साउथ अफ्रीका जिसको कहा जाता है वहां कैप्टाउन में चले जाए तो वहां बहरे हिंद और बहरे अटलांटिक दोनों के दोनों समंदर जब साथ चलते हैं बीच में कोई पातिशन नहीं है ये एक पानी चल रहा है और ये एक पानी चल रहा है दोनों साथ चल रहे इसकी मौज बड़े जोरों से आती है बहरे अटलांटिक की यहाँ आकर करके रुक जाती है वो फलांग कर इस पर नहीं जाती और बहरे हिंद की मौजे जो चलती है उसका पानी इधर नहीं आता न बीच में कोई पातीशन है न कोई दीवार है न कोई पत्थर है वो कौन जात है कि बगैर पातीशन के अल्लाह ने पानी को रोके रखा है इसके पीछे अल्लाह ही की जात है अब तो ही की जात है आप दुनिया में जिन चीजों के पीछे चले जाए हर जगह हमें अपने मौला की कारीगिरी मिलेगी अपने मौला के जो है अपने मौला की तरफ से जो चीज़ें वदियत दुनिया में रखी गई है वो तो तमाम चीज़ों का नजारा मिलेगा तो जितनी भी तारीफ होती है वो अल्लाह ही की तारीफ होगी और जब अल्लाह की तारीफ है तो सारी दुनिया की तारीफ करते रहो खत्म होने वाली नहीं है तो अल्लाह की तारीफ कहाँ खत्म तो हो सकती है इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि लऊकान अल्बाह मिदादली रबी पैगंबर अपनी उम्मत को कह दो कि समंदरों को सयाही बना लो सारे दरख्तों को कलम बना लो और लिखना शुरू करो मेरी तारीफ तुम्हारी उम्र खत्म और तुम्हारी जिंदगी खत्म और तुम्हारे कलम खत्म और तुम्हारे दरख्त खत्म और और तुम्हारी सियाही खत्म तुम्हारी रोशनाई खत्म लेकिन मेरी तारीफ खत्म नहीं हो सकती फिर ये तो जमीन का हाल हुआ बाकी जो जन्नत की न्यामतें हैं माला आनरा वाला समियत वला खतर आला कल बशर नबी सलासलम फरमाते वो नमतें अल्लाह जन्नत की तैयार कर रखी है न तुम्हारी नजरों ने देखा उसको वाला न तुम्हारे कानों ने सुना उसको वाला कल बशर तुम्हारे दिल पर तस्वुर तक नहीं गुजरा होगा कि क्या जन्नत की न्यामत ऐसी भी हो सकती है उसकी मुस्तकिल तारीफ है तो हकीकत यह है कि अल्लाह तला की तारीफ का कमा हक कहू को, कोई हक अदा करे सारी जिंदगी पेशानी रगड़ते पे रहो सारी जिंदगी पेशानी रगड़ते आपने एक जुमला सुना सूरह इखलास में अल्लाह समद कुलवल्ला शरीफ इसका लोक तर्जमा जो आम मुफस्सरीन ने फरमाया अल्लाह की जात निराधार है यानी उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं वो बेनियाज है हमारे अदरत शेख मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहमत आर्जुमा फरमाते थे गौर से फरमाते थे अल्लाह की जात बड़ी अलबेली है और शागिदों से फरमाया मुझे पूछते नहीं कि मैंने ये तर्जमा क्यों किया फिर फरमाया अलबेली उस माशूक को कहते हैं कि आशिक तरपता रहे और मासू कहे जब चाहूंगा बात करूंगा आशिक तरपता रहे और माशू कहे जब चाहूंगा बात करूंगा फरमाया अल्लाह की जात वो है कि सारी जिंदगी पेशानी रगड़ते रहो वो कहता है जब चाहूंगा कबूल करूंगा तुम मेरे मोहताज हो मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूं तुम मेरे मोहताज हो तुम्हें कदम कदम पर मेरी जरूरत है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुस्लिम शरीफ में है कि सारे बंदे आदम से कयामत तक के अतका कल मुत्तकी दिल लेकर के बैठ जाए जमीन पर तकवा वाला दिल लेकर फरमाया मेरी खुदाइत में कोई ज्यादा नहीं हो सकती मैं तुम्हारे वोतों से खुदा थोड़ा बना हूं कि कहीं तुमने वौत दे दिए और मैं रब बन गया मैं तुम्हारे वोतों से खुदा थोड़ा ही बना हूं सारे के सारे अत का कल नबियों जैसा दिल लेकर के आदम से कयामत तक की इंसानियत मुत्तकी बन जाए इस जमीन पर अल्लाह कहता है मेरी रुबूबियत और खुदायत में कुछ भी ज्यादा नहीं होती तुम ये न समझना कि हमारी जो है सजदों की वजह से इबादत की वजह से हमारे तकवा और तहारत और नमाजों और रोजों की वजह से उस रब की खुदायत में हो गई बढ़ोतरी और सब के सब आदम से कयामत तक के ये, ये मजमून जो है हदीस हदीस खुदसी खुदसी उस हदीस को कहा जाता है जिसमें अल्फाज नबी के हैं मजमून अल्लाह का अल्फाज नबी के हैं मजमून अल्लाह का है हदीस खुदसी है मुस्लिम शरीफ फरमाया सब के सब आदम से कयामत तक के फिसर और फाजिर जैसा दिल लेकर के बैठ जाए और मेरी गद्दारी पर बेवफाई पर नालायकी पर उतर जाए मेरी खुदाइत में कोई कमी नहीं होगी अगर तुम नहीं मानते हो तुम्हारा नुकसान है मेरा क्या नुकसान तुमने मुझे सजदा नहीं किया दुनिया के अंदर मैंने दस्तूर बनाया है इसलिए मैं रोज ही दे दूंगा दुनिया में मेरा दस्तूर हर एक को रोजी देने का है माने उसको भी न माने उसको भी सजदा करे उसको भी सजदा ना करे उसको भी शराब पिए उसको भी शराब न पिए उसको भी कुफर करे उसको भी ईमान लाए उसको भी दुनिया का मेरा अपना उसूल है कि मैं सबको रिस्क OK देता हूँ मैं दुनिया के निजाम पर सबको दे दूंगा लेकिन वफात के बाद हकीकत खोल दूंगा फिर ईमान पर कामयाबी होगी वफादारी पर कामयाबी होगी इतात और फर्मा पर कामयाबी होगी बेवफाई पर नहीं होगी नाकामी होगी सरासर तो फरमाया सब के सब सारी इंसानियत फिसक फजूर जैसा दिल लेकर के बैठ जाए मेरी खुदाइत में कोई कमी नहीं होती ये है वो रब यह है वो रब उसकी कौन तारीफ कर सकता है हमारे आका मोहम्मद रसूल सल्ह वसल्लम जो रात दिन तारीफ करने वाले और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत यूं फरमाते अना मैं सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं मुझसे जानने वाला कोई। और ज़्यादा तक़वे वाला कोई हजूर पाक से आसम फरमाते मुझसे ज्यादा तकवे वाला कोई बुजुर्गों ने फरमाया है कि कमियत और गिनती के एतबार से अद के एतबार से सजदे दुनिया में अरबों खरबों लाखों होंगे लेकिन कैफियत के एतबार से जो सजदे का वजन हुआ करता है जो सजदे की कैफियत हुआ करती है जो सजदे में हजूरी खुदाबंदी हुआ करती है फरमाया कयामत तक के सजदों को एक पलरे में रखो नबी के एक सजदे का मुकाबला नहीं हो सकता पाकल आप, आपका सजदा इतना लंबा होता था तो के अंदर मायशा सिद्धि का अल्लाहु अल्लाह तला फरमाती है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल गुजरता है बुरा ख्याल पूछा गया क्या ख्याल गुजरता है फरमाया मुझे ऐसा लगता था कि हजरत का इंतकाल तो नहीं हो गया सजदे में इतना लंबा सस्ता न पांव में हरकत है न बदन में कोई हरकत है सजदे में गए हैं तो गए है। तो फिर मैं क्या करती मायशा सिद्धिका फरमाती है कि पीछे पांव के अंदर जरा से गुलगुली कर दिया करते, हरकत देती थी हजरतियों तो पांव हिलाते थे उससे मुझे पता चलता था कि मेरे आता इसी दुनिया के ये आपका सजदा हुआ करता था आप हर रुकन में अल्लाह को याद करते थे सजदा बहुत तवील रुको बहुत तवील आपके तहजद का कयाम बहुत तवील बहुत तवील आप दो सजदों के बीच में भी अल्लाह को याद करते थे ये दुआएं कहाँ हैं हमारी नमाजों में हमने कभी दो सजदों के बीच में दुआओं का अहतमाम किया चलो इमाम के साथ तो इमाम के ताबे होकर के हमें चलना पड़ता है लेकिन जब अकेले सुन्नत पढ़ रहे हैं अकेले नफ्ल पढ़ रहे हैं अकेले नमाजें पढ़ रहे हैं तो हम आजाद हैं अपनी नमाज में जितना लंबा चाहे क्याम करें जितना लंबा चाहे रुकू करे जितना लंबा चाहे सजदा करे किसने मना किया है वो तो इमाम को यह कहा गया है कि इतना लंबा नमाज का क्याम न कर लेना कि पीछे वाले उगता जाए ये इमाम से मुताल कि सुन्नत की रियायत करते हुए मुख्तसर करना बाकी जब इनफरादी नमाज हम पढ़ रहे हैं तो इस इनफरादी नमाज में हम किस किताबें आजाद है जितना लंबा चाहे कयाम हो जितना लंबा चाहे रुकू हो दो सजदों के बीच में दुआएं हो वर वर सलाम से साबित ये दुआ, लेकिन हमारी वो सुन्नत वाली दुआ खत्म हो गई हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि जो सजदे में जाते हैं तो कोहनिया बिछा देते हालांकि नबी करीम के बाद में सजदे में बुखारी शरीफ में आया कि हजरत यूं खुल करके सजदा फरमाते थे रावी फरमाते हैं कि इतना खुल कर हजरत सजदा फरमाते थे कि आपके बगल की सफेदी नजर आ रही थी हमारी नमाजों में वो जान कहाँ है हमने अपनी नमाजों को नमाज ही नहीं बनाया है फिर हम कहते हैं कि हमारी नमाज से बुराइयाँ नहीं रोकती बेहया नहीं रोकती बरकतें नहीं आती कहाँ से वो नमाज ही नहीं है हमारे पास तो हजरत से ज्यादा तारीफ करने वाला कोई नहीं आपका कयाम इतना लंबा आपका रुकू इतना आपका लेकिन इसके बावजूद हजरत क्या फरमाते कर सकता है। हाई हाई। मैं भी नबी सलाम फरमाते मैं भी तेरी तारीफ नहीं कर सकता लाओ नहीं ता अला कौन तारीफ कर सकता है ना, ना मोहम्मद कर, 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 कर सकते और ना कोई नबी कर सकता है। कोई आपकी तारीफ भी कर सकता है इसलिए अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है जितनी तारीफ की जाए इतना कम है अल्लाह ने अपनी इस सूरत का आगाज भी तारीफ ही से करवाया तमाम तारीफें उस अह के लिए हैं जिसने नाजिल की इस किताब मुकदस और इस कुर करीम को अपने बंदे मोहम्मद पर वलमजा वजह जिसमें कोई तेरापन नहीं जिसमें कोई कजरवी नहीं जिसका मजमून जिसका बयान अरबी हम तो चूंकि अरबी जानते नहीं हम तो अजमी है हमें अरबी की फजाहत वगत से क्या मालूम कि इसमें क्या फसाहत बलागत इसकी काफिया बंदी इसकी रियायत हर आयत का अख्ताम और मुख्तसर आयत में तवील तवील मजामीन को बयान कर देना यह अल्लाह का कलाम है और जब अरबों ने नबी अलैहिस्सलाम पर इल्जाम दिया कि मोहम्मद का घरा हुआ कलाम हैजुबिल्लाजुबिल्ला तो अल्लाह ताला ने कुरान में चैलेंज किया इस जैसा कुरान ले आओ अल्फाबेट यही अलीब बात तुम्हारा भी है अरे भाई अरब जो बोलते हैं अपना कलाम अरबी में वो उनका अल्फाबेद भी तो यही है अलीब बा और ये कुरान भी तो अलीब बा ताशा ही से बना है ऐसा तो है नहीं कि, कि कुरान का अल्फाबेट कुछ अलाहिदा हो और अरब का अल्फाबेट और हरूफ कुछ अलाहिदा हो इन्हीं हरूफ से कुरान बना है जिन हरूफ में तुम बातें कर रहे हो तो वही तो ूफ है वही उन्तीस ट्वेंटी नाइन है जो तुम जिससे तुम्हारा कलाम बना है से ये कलाम भी बनाए ले आओ इस जैसा कुरान नहीं बन पाया तो अल्लाह ने दूसरा चैलेंज किया फातू अच्छा दस आयतें ले आओ दस सूरतें ले आओ नहीं बन पाया फातू बूरत मिस एक सूरत ले आओ और वो भी कोई कैद नहीं लगाई कि सूरह बकरा की तरह लंबी सूरत लाओ कोई कैद नहीं सूरत छोटी सी सूरत ले आओ कुरान की सबसे छोटी सूरत इनाते नाकल का ले ले का वन हर इन नशानिया का हुआ लब तक इसी जैसी सूरत ले आओ चलो ये भी नहीं बन पाया अरबों से तो कुरान ने फिर चैलेंज किया फातुब आयत छोड़ो कुरने करीम की एक सूरत को एक आयत ले आओ एक आयत और एक आयत भी कोई तवील आयत नहीं कोई लंबी आयत नहीं अल्लाह ने मुतलक कहा आयत छोटी सी आयत ले आओ अलहद रब्बिल आलमीन अरे ये भी लंबी हो गई इन्ना आता इन्ना कल का छोटी सी है। ये भी लंबी हो गई वल असर छोटी सी है। इतनी ही आयत तुम बना करके ले आओ जिन अरबों को अपनी फसाहत पर अपनी बलागत पर अपनी जबान पर नाज था नाज था और नाज का आलम उनका ये था कि सारी दुनिया के लोगों को वो आजमी कहते थे जम का माना जो अरबी नहीं बोलता उनको वो आजमी कहते थे कि गुंगे हो तुम्हारी जबान का एतबार नहीं इतना नाज था उन लोगों, उन लोगों को अपनी जबान पर उन लोगों को अल्लाह ने चैलेंज किया कि तुम्हें अपनी जबान पर अपनी फसाहत पर अपनी बलागत पर अपनी जबान की रवानगी पर तुम्हें नाज है ना तो ले आओ इस जैसा कुरान इस जैसी दस सूरतें एक सूरत एक आयत छोटी सी चौदह सौ बयालीस साल गुजर चुके आज तक एक आयत कोई नहीं ला सकता और इन शाह कयामत का सवेरा हो जाएगा कोई नहीं ला सकता आयत तो बहुत दूर की बात इसके रफा नसब जर यानी जबर जेर और पेश में फर्क नहीं हो सकता हो नहीं सकता किसी आदमी ने जिसका ताल्लुक ऐसे लोगों से था जिन्होंने नबूवत का दावा किया कादिया का उन्होंने कुरान छापा और जो कुरान में आयत है उसको जरा सा बदल करके करकेमबादिस गुलाम अहमद कर दिया लफ गुलाम को बरा दिया और कुरान को तकसीम किया छोटा सा दस साल का हाफिज कुरान बच्चा जब उस कुरान को पढ़ रहा है और इस लफ्ज पर पहुंचा तो अपने उस्ताद से कह रहा है, उस्ताद जी ये लफ्ज कुरान में ज्यादा है दस साल के लड़के ने उसकी पकड़ कर ली अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है इन्ना इन्ना ना। हम ही हम ही ने नाजिल किया हम ही इसकी हिफाजत तो यह अजीम किताब है यह अजीम कुरान है इस कुरान मुकदस अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया जिसमें कोई तेरापन नहीं है कयमा बिल्कुल दुरुस्त तो उतारा अल्लाह ताला ने और कुरान को क्यों उतारा है कुरान के नाजिल करने की वजह बयान कर रहे हैं कैम लियबासन शदीद ताकि अल्लाह ताला डराए सख्त आजाब से अपनी तरफ से किन लोगों को उन लोगों को जो बगावत पे उतरे हुए जो उसका खाकर उसको नहीं माने कुफर की तारीफ और कुछ ना करो कुफर की तारीफ में मोती सी जबान में तुमको नकल कर दू जिसका खाओ उसका न गाओ ये कुफर है जिसका खाओ उसका न गाओ उसका न बोलो दूसरों का बोलो ये कुफर है और जिसका खाओ उसी का बोलो ये ईमान है अल्लाह ने खिलाया तारीफ उसी की होगी ये ईमान और अल्लाह ने खिलाया और हम दूसरों को सजदा करें ये कुफ्र है तो क़यमन ल यनذरा बासा شدیدہ मिल्लदु अल्लाह अपनी तरफ से धरा रहा सख्त अज़ाब से व युबशिरल मुमिनीन अललदीन यामलूनस सालिहान और बशारत सुनाए मोमिनों को ईमान वालों जिनके पास ईमान है जो अल्लाह की तौहीद के कायल है वहदानियत के कायल और ये मसला बड़ा नाजुक है तौहीद का मसला बड़ा ये वाहदानियत पर जमना बड़ा मुश्किल है पाओ फिसल जाते हैं अच्छे अच्छे हालात में पाओ फिसल जाते हैं कभी कभी हम अपने दौलत की वजह से हसूल दौलत में ईमान का सौदा कर, दे। कर देते अपना ईमान तक फरोख्त कर देते बेच देते ईमान जो है वो तो बड़ी न्यामत है नबी सलाम ने जगह जगह फरमाया कि जो इखलास के साथ ईमान लाया है अल्लाह उसकी मगफिरत करेगा या तो अपना फजल फरमाकर गुनाह को माफ कर दे या नंबर दो थोड़ी बहुत सजा आमाल के न होने पर कर दे लेकिन ईमान एक ऐसा पासपोर्ट है कि जो तुम्हें जरूर जन्नत में ले जाए यह ईमान की खासियत है इसीलिए नफ्स की तीन किस्में अल्लाह तयान फरमा एक नब्स अमारा नब्स अम्बारा जो शरारत करता है बुराइयों का हकम देता उसको लफ्स मारा कहा जाता है कुर्बान जाइए यूसुफ अल सलाम जेल खाने से रिहा हुए तो बादशाह और जो खाब देखा था कहत पढ़ने वाला है दुकार पढ़ने वाला है और बड़े मसाइल होंगे उस मौके पर यूसुफ अल सलाम ने खुद आगे चलकर के फरमाया कि मुझे वजीर मालियात बना दीजिए खजांची बना दीजिए मैं खजाने पर निगरानी रखूंगा ताकि नजमो माल तकसीम उस मौके पर यूसुफ़ सलाम जैसा नबी यूं कह रहा है वमा अपने नफ्स को पाक दामन नहीं बताता नब्स अम्बारा तो हुक्म देता तो एक नफ्स अम्मारा है जो बुराइयों का हुक्म देता लोग पूछते हैं नफ्स है कहा हमारे बदन में नफ्स कहां है भाई हार्ट का तो ऑपरेशन होता है गुतनों का ऑपरेशन हो रहा है हार्ट का और हाथ का हैंड का ऑपरेशन हो रहा है कान का हो रहा है आंखों का हो रहा है नफ्स कहां है नफ्स का माना खाश और ख्वाहिशात पूरे बदन में अल्लाह ने रखी आंख की, की ख्वाहिश यह है कि हमारी नजर चाहती है देखने अच्छा देखने को चाहती है बुरा देखने को चाहती हैन की ख्वाहिश यह है कि वो पकड़ना चाहती है अच्छे को बुरे को पाओ की ख्वाहिश यह है कि वो अच्छाई की तरफ भी चलते हैं बुराइयों की तरफ ये जो इनका चलना है इनका पकड़ना है इनका सुनना है इनका ये सब ख्वाहिशात और इन सब का ताल्लुक दिल से दिल के बनने पर ख्वाहिशात दुरुस्त होती है और दिल के बिगड़ने पर ख्वाहिशात बिगड़ जाती है अगर दिल ये सोच रहा है कि नहीं मुझे मेरे रब को जवाब देना है तो फिर आंख सही तौर पर चलती और अगर दिल ही ने गलत सोचा कि मजे जो चाहे फिर होगा तो अब ख्वाहिशात बिगड़ने पर आ जाती लेकिन है इंसान में ख्वाहिशा अल्लाह ताला, ताला, ताला ने रखी है याद रखो शेख सादी रहमत फरमाते हैं कि अगर कोई यूं सवाल करे कि ख्वाहिशात रखी क्यों हमारे अंदर तो हम गुनाहों की तरफ जा रहे हैं सा सवाल होता है कि क्यों खाशात रखी तो हम गुनाहों की तरफ जा रहे हैं इसका जवाब यह है कि तुम में ख्वाशात ना होती तो फिर तुम्हारा हाल यह होता कि दुनिया में जब काते ही पर नहीं चले हैं तो कमाल की क्या बात है कि मुझे कांटा नहीं लगा एक इंसान कांटे पर चलता है फिर कहता है मुझे कांटा नहीं लगा तो कमाल की बात हुआ करती है ख्वाहिशात हैं और फिर अपने आप को बचाना इसी पर तो अल्लाह ने जन्नत फिरदौस रखी है इसी पर तो अपनी रजा रखी है इसी पर तो अपना दीदार रखा है कि नींद मीठी-मीठी चाह रही है कि फजर की नमाज न पढ़े और अल्लाह का नबी कह रहा है कि फजर की नमाज पढ़ोगे और असर की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह अपने दीदार और जियारत से तुम्हें महसूस करेगा तो ख्वाहिशात इस बुनियाद पर रखी ताकि इस ख्वाहिशात को हम सही इस्तेमाल करें फरमाते हैं कि इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे अल्लाह के अरे वो फरिश्ते बहुत इबादत तो करते तो हैं फरिश्तों से मुझे हदीज शरीफ में आया कि कुछ फरिश्ते कयाम में है जो कयामत तक कयाम में है मैं और आप इतना लंबा कयाम नहीं कर सकते कुछ रुकों में है तो क्यामत तो तक रुकू कुछ सज्दों में है तो क्यामत तक सजदों में इतना सजदा हमसे हो सकता है नहीं इतना रुकू हो सकता है ना इतना सस्ता हो सकता है। इबादत तो फरिश्ते बहुत कर रहे हैं लेकिन वहां ख्वाहिशात नहीं फरिश्तों में ख्वाहिशात नहीं है इसीलिए न खाना न पीना न बीवी न बच्चे कुछ भी नहीं ख्वाहिशात हमें है और जहां ख्वाहिशात होती है वहां इश्क होता है इश्क का ताल्लु तो ख्वाहिशात से और अल्लाह ये चाहता था कि इस जमीन पर मेरा बंदा इश्क के साथ इबादत इम कईम कहते हैं कि जब बंदा इश्क के साथ अल्लाह कहता है तो अल्लाह के अर्श को हिला दे। ये वो इश्क वाली इबादत है कि जब नमाज में अल्लाह याद आ जाता है तो इन मुसल युना जी रब हो अपने रब से बातें कर रहा है और सजदे में अपने रब को कहता है तुझसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता सुभान रब्बी अल आला और रुकू में कहता है सुभान रब्बी अल अजीम बस तेरी हम दो सतईस और तेरी ही तारीफ होगी तो हकीकत यह है किस बुनियाद पर ख्वाहिशा रखी है कि वो इश्क वाली इबादत को चाहता है और जब बंदा इश्क के साथ इबादत करता है तो, तो अल्लाह तरमाते करीम में बशारत सुनाए इस कुरान के जरिए से बशारत सुनाए उन मोमिनों को जो अच्छे अमाल करते हैं ईमान तो है लेकिन अमाल साली तो जरूरी है इमाम बुखारी रम्ह ने बुखारी शरीफ में फरमाया एक बुजुर्ग का कौल नकल किया तफसीर में तफसीर में फरमाया कि जैसे इंसान के पास चाबी होती है की होती है ताला खोलने के लिए तो उसके दांत होते हैं नीचे आपने देखा की के नीचे दांत उसके बगैर ताला नहीं खुल सकता इमाम बुखारी रमतल उस बुजुर्ग के कौल को नकल करते हुए फरमाते हैं कि सिर्फ लोहा यूं घुसाओगे तो ताला नहीं खुलेगा उसके लिए नीचे दांत की जरूरत है तब ताला खुलेगा फरमाया ईमान जन्नत की चाबी जरूर है लेकिन आमाल साल के दांत भी चाहिए उसके साथ बहुत बेहतरीन तारीफ होमाल साल के दांत चाहिए जब आमाल साल के दांत होंगे तो वो चाबी ठीक होगी और वो जन्नत के ताले को खोल देगी और फिर वो ईमान अव्वल वहला में जन्नत में ले जाएगा तो वही अल्लाह तला ने तैयार कर रखा है जो आगे चल करके आएगा तला कैसी जन्नत देने वाला है उसकी क्या सिफात होगी जन्नत की माँ किसी नफी ही अबदा जिसमें ये लोग हमेशा रहेंगे टेम्प्ररी नहीं वक्ती नहीं जैसे दुनिया में दुनिया में, दुन्या में अंतिमपरी और वक्ति मैंने मकान खरीदा अवलन तो यह है कि किराए का मकान है मेरा और मैं रेंटल पर रहता हूं तो रेंट के मकान में यह है कि मालिक कभी भी निकाल सकता है मुझे और चलो मेरा अपना ذاتی मकान भी है तब भी मुझे कभी ना कभी तो उसे छोड़ना ही है मौत के मौके पर तो छोड़ना ही है इमाम غزالی رحمۃ फरमाते हैं कि दुनिया की यह सारी चीजें मेरा कारोबार मेरा जॉब मेरा पैसा मेरी औलाद मेरी बीवी मेरे बच्चे ये सब खिलौने हैं तो है। बच्चा जब तोइज से खेलता है तो होता यह है कि कभी हम तोइज ले लेते हैं उठा करके ले लिया टॉयज़ उसके पास से तो बच्चा रोने लगता है अल्लाह कभी ऐसा ही करता है कि कभी बीवी को मौत दे दी कभी बच्चे को बीमार कर दिया कभी जॉब ले लिया और कभी कारोबार में थोड़ा सा मसला डाउन हो गया ये अल्लाह खिलौने को लेता है हम दुनिया में ऐसा करते हैं कि खिलौने सारे वहां रहने देते बच्चे ही को उठा लेते हैं कि चलो तुम्हें बाद में जाना है से तो वहां रह गए और बच्चे को उठा लिया अल्लाह का भी निजाम है सारे खिलौने हमारे दुनिया कारोबार तिजारत जॉब पैसे दुकान सब यहां रह जाते हैं अल्लाह मुझे को उठा लेते ये अल्लाह का एक निजाम है तो दुनिया में चाहे मेरा मकान है लेकिन ये भी आर्जी मौत के मौके पर तो मुझे इसको भी छोड़ना ही छोड़ना है यकीनन छोड़ना है और हमें उठा करके हमारी औलाद निकाल देगी कब्रिस्तान में पहुंचा देगी मजला खत्म हो गया लेकिन जन्नत एक ऐसी जगह है अल्लाह अपने फजल से हम सबको नसीब करवा अपना इनायत फरमा दे जन्नत एक ऐसी जगह है जहां से बिल्कुल निकलना नहीं हमेशा रहना है ही अबदा वो टेम्पररी नहीं है वह आर्जी नहीं है वो वक्ती नहीं है वहाँ आनी नहीं है वह हमेशा हमेशा हैदा फी और ये कुरान इसलिए भी उतारा गया ताकि दराया जाए उन लोगों को जिन्होंने यूं कहा कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद रखी कुछ लोगों ने यह कहा था कि अल्लाह की औलाद है जैसे यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के बेटे वकालत अल्लाह, यहूदियों ने हजरत उजैराम को अल्लाह का बेटा बनाया और ईसाइयों ने हजरत ईसा ईसातलाम को अल्लाह का बेटा बनाया वकालत नसारा अल्लाह ईसा अल्लाह के बेटे और कुछ लोगों ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा ये कौन मुशरकी नमक का उन्होंने कहा कि जितने वरिष्ते हैं वो सब अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह की बीवी कौन फरमाया जो जिन है जिन्नात उसमें जो सरदार किस्म के जिन होते उनकी बेतियां वो अल्लाह की बीवियां हैं तो सरदार जिन्नातों की बेतियां अल्लाह की बीवियां और उनसे फरिश्ते पैदा हुए

अल्लाह ताला ने औलाद तजवीज कर रखी अल्लाह उस समझ वो बेनियाज़ है लम यलित वलम यूलत लम, लम यलित उसने किसी को नहीं पैदा किया वलम यूलत न उससे कोई औलाद पैदा न वो किसी का बच्चा है न उसके कोई बच्चे उतने तनहा इसीलिए कुदरत खुदाबंदी देखिए इमाम बुखारी रमत किताब तफसीर में फरमाते दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जिसका अल्लाह ने जोड़ा न बनाया सारी चीजें दुनिया की जोरा है जमीन है तो आसमान है जमीन के साथ आसमान कलर में आप देख लो कलर में भी जोड़ा है काला है सफेद है उसमें भी जोड़ा है। जायका और तेस्त में देखो खट्टा है मीठा है करवा है जोड़ा है। मेल है फीमेल है हर चीज के अंदर के फीस और मछली में भी फीमेल और मेल को पैदा इमाम बुखारी तफसी करते हुए फरमाते हैं दुनिया की हर चीज जोरा है इसलिए कि हर एक दूसरे का मोहताज है हर एक दूसरे का मोहताज है इंसान का वजूद नहीं हो सकता है औरत के बगैर और मर्द के बगैर तो दुनिया में एक दूसरे के मोहताज है वित्र अल्लाह सिर्फ तने तना है उसको किसी की जरूरत नहीं तो फरमाया इन लोगों को भी डराए जिन्होंने इस तरह की बातें कही कि अल्लाह ताला ने अपने लिए औलाद बनाई फरमाया भी मैंने इल्म वला लिया मालूम इनके पास कोई दलील नहीं है और न इनके बाप दादा के पास कोई दलील है अल्लाह ने औलाद बनाई इस पर क्या दलील तुम्हारे पास न इनके पास कोई दलील न इनके बाप दादाओं के पास कोई दलील बस मन कहानियां है जो बना ली है जैसे आजकल दुनिया में ऐसी मन गृहत कहानियां चलती है और उन कहानियों को बना बना करके पेश कर दिया जाता है कहीं इसको अल्लाह का बेटी कहा जाता है अल्लाह का बेटा कहा जाता है अल्लाह का पार्टनर कहा जाता है अल्लाह का शरीक कहा जाता है ये सब शिरक है जात में भी शिरक और सिफात में भी शिरक ईसा को बेटा मानना जात में शिरक है उजैर को बेटा मानना अल्लाह की जात में शिरकत जात में और अल्लाह की तरह दुनिया के किसी पत्थर को माबूद को भूवा को ज्योतिष को, 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 अल्लाह की सिफत में शिरक हो रहा रज्जाक वही जात है उसके अलावा कोई रज्जाक औद देने वाला वही है कोई औलाद नहीं है शिफा और बीमारी देने वाली वही जात है। कोई दुनिया का आदमी शिफा और बीमारी नहीं दे सकता तो यहूद ने किया और एक शिर्क है जैसे मुश्रकी ने मक्का ने किया कि लात और उजा और ये सब जो है ना जो उनके मबूद थे मक्के में लात था उजा था मनात था ये सब मबूत थे कोई सफा रखा पर रखा था कोई मरवा पर रखा था कोई काबतुल्ला के अंदर रखा था कोई काबतुल्ला के दरवाजे पर रखा था और ये कहा था कि अल्लाह अकेला कायनत को चला नहीं सकता इसलिए उसको पार्टनर की जरूरत आज भी है ये ये शिर आज भी हो रहा है शिरक अभी आज भी हो रहा अल्लाह के अलावा दूसरों को रज्जाक मानना और बीमारी देने वाला मानना शिपा देने वाला मानना औलाद देने वाला मानना ये सब अल्लाह के साथ सिफत के अंदर सिर्फ फरमाया इनके इनके पास कोई दलील नहीं मा भी बिही मिन इल्म वला लियाबाई इसीलिए लिया मشرिकीन मक्का कभी-कभी हमारे नबी अलैहिस्सलाम को डराते थे हमारे माबूदों को बुरा ना कहो वरना ये लात तुझे हलाक कर देगा मोहम्मद ये मनात तुझे हलाक कर देगा ये उज्जा तुझे हलाक कर आज भी डराते हैं आज भी डराते हैं अपने माबूदों से अरे बास तो इंसान होकर के हमको डराते हैं बाज बाज इस तरह के हमारे हमारे हजरत तो बड़े पहुंचे हुए हैं इनको कुछ न कहना वरना इनके पास वो अमल है तुझे जलाकर वजम कर, कर देंगे वाह यही बात वो थी जो डराते थे कि मोहम्मद को बुरा ना कर हमारे बुतों को बुरा ना करे मोहम्मद वरना ये लात मनात उज्जा ये सब तुझे हलाक कर दे तो अल्लाह ने बहुत प्यार से फरमाया

ये सब पत्थर के बनाए हुए हैं पैगंबर इनको कह दो, कुली दो तुम्हारे सारे पार्टनरों को बुला लो सारे महबूदों को बुला दो मेरे खिलाफ तदबीर करो फलातुल मुझे मोहलत भी ना दो कोई मुझे पहले से अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं कि कल हमारे महबूद को हम बुलाएंगे और परसों कोई मुझे अल्टीमेटम की जरूरत नहीं बुला लो मेरे खिलाफ जितने तुम्हारे महबूत सबको बुलाओ इन सारी आयात में कुरान कुरान और कुरान के पढ़ने वालों को ये बताया कि शिर से भी बचो और शिरकत से भी बचो अल्लाह अमल की कोताहियों को माफ करेगा लेकिन शिरकत की कोताही को माफ नहीं करेगा उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी औलाद हमारा जरा सा कोई मामला न माने ये तो हम बर्दाश्त कर सकते लेकिन बाप के साथ किसी को शरीक कर ले और मां पर इल्जाम लगा दे बाप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता ये हो नहीं सकता है कि बाप इसको बर्दाश्त कर ले चाहे लादला बेटा क्यों ना। तो जब इंसान होकर के पार्टनरशिप को अपने बाप में शिरकत को पसंद नहीं करता वही मेरे अजलानी रदी अल्लाह तुम नबीम से मसला पूछा यार्ला मैंने मेरी बीवी के साथ किसी को मशगूल पाया मैं अचानक घर में आया तो मैंने पराये को देखा अब अगर मैं उसको मार दू कतल कर दू तो क्या इस्लाम मुझे सजा देगा यानी मेरे ऊपर किसास का हुक्म आएगा तो अल्लाह ताला ने लेआन का हुक्म उतारा जो कुरान में वजाहत के साथ है कि इसमें किसास नहीं होता इसमें ले होता जब एक आदमी अपनी बीवी के साथ पार्टनरशिप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो रब करीम जो खालिक और मालिक है वो पार्टनरशिप कैसे बर्दाश्त कर इंसान होकर के जब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो मालिक कैसे पार्टनरशिप को बर्दाश्त कर ले कि उसकी जात में या सिफात में किसी को शरीक कर ले इसलिए अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे अमाल की कोताही को मैं माफ कर दूंगा तुम्हारे नमाजों में कमी रोजों में कमी जक़ात की कमी हज की कमी तुम्हारे अमाल के ऊपर नीचे मैं अपनी तरफ से माफ कर दूंगा लेकिन शिरक लेकर के आए तो दवा में जहन्नम है कुफ्र लेकर के आए तो दवा में जहन्नम है इसमें माफी की गुंजाइश फिर इसमें मेरी रहमत कोई काम नहीं करेगी और न मेरी रहमत के छीते तुम पर आएंगे ये हो ही नहीं सकता कि शिरक वाले को माफ कर दिया जाए तो ईमान बहुत बड़ी दौलत है माल हम भी मलालिया कबूरत कली मिन अफवाए बहुत बुरी बात है बहुत बड़ी बात है जो अपनी जबान से निकाल यानी इस तरह की बात अल्लाह के मुतालिक रिवायतों में है बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है नबी करीम ने फरमाया हदीस खुदी में कि अल्लाह यूं कह रहा है क्या आदम की औलाद मुझको गालियाँ देती है इबन आदम मुझे गाली देता है क्या गाली देता है अल्लाह ताला कहता है कि यह मुझको यूं गाली देता है कि अल्लाह ताला ने औलाद तजवीज कर रखी अपनी औलाद बनाई तो जो जिसका लायक ना हो उसके मुतालिक ऐसी बात कहना यह गाली अल्लाह के लिए औलाद का मसला पैदा नहीं हो सकता लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं ये झूठी बातें हैं कि अल्लाह ने औलाद बनाई फला का बा अब ये हालात जो थे कुफर शिर नबी सलाम का दिल बहुत जलता क्यों ना होता

फला अल्लाह का बा कई ऐसा ना न अपनी जान को पैगम्बर आप हलाक ना कर दें इन लोगों के पीछे आपको हार्ट अटैक ना आ जाए इन लोगों को इनके हालात को देख मालूम यह होता है कि मोमिन की शान यह होनी चाहिए कि गुना को देखते हुए कुछ न कुछ तो तबीयत पर असर होना चाहिए ये मोमिन की शान है वरना वो मोमिन नबी करीम समती कैसे हो जिसके दिल में हम्मत का दर्द ना हो गम ना हो फरमाया पैगंबर ऐसा न हो कि आप अपनी जान को हलाक न कर बैठे इन लोगों के पीछे ईमान न लाए बेहादल से असफा इस बात को जो वो लोग कर रहे हैं इसके पीछे अफसोस करते हुए आप कहीं अपनी जान को हलाक न कर बैठो इन्ना जाल अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते पैगंबर आप गम ना करो ये हो नहीं सकता कि सारे लोग मुसलमान हो जाए हमने इस दुनिया को इस जमीन के ऊपर जो कुछ है वो जीनत ये खूबसूरती के लिए बनाया जीनत के लिए क्यों जीनत बनाया इस जमीन पर कभी औरत को जीनत बनाया दौलत को जीनत बनाया कारोबार को बेहतरीन जीनत बना दिया दुनिया भर की चीजों को अल्लाह ने क्यों बनाया हम हम इम्तिहान लें हम आजमाए कि आया ये ख्वाहिशात के पीछे भागता है या अल्लाह की तरफ दुनिया की चीजें जो है ना ये इम्तिहान और इब्तला के लिए एग्जाम के लिए कि ये इसके पीछे दौड़ कर अल्लाह को छोड़ देता है कि जॉब पे ऐसा मस्त के नमाज नहीं पढ़ा तजारत में ऐसा मस्त के अल्लाह को भूल गया ख्वाहिशात में इतना मस्त हो गया कि अपने रब को भूल गया ये सब हमने जीनत इसलिए बनाई है ताकि हम आजमाएलोह के कौन अच्छा अमल करता है सईदा और हम एक दिन इस जमीन को वार करने वाले हैं यानी क्यामत से पहले हम इस जमीन को बराबर कर देंगे तो इन आयात में फ्ता दिल्लानू ने तोहेद के मजामी को और कुरान मुकदस के मकसद को बयान फरमाया कि हमने कुरान क्यों उतारा ये उन लोगों को डराने वाला है जो जो बागी उन लोगों को बशारत सुनाने वाला है जो अल्लाह पर ईमान लाए और आम करने वाले हैं अल्लाह जान हो हमारे ईमान को मौत तक अल्लाह तलाको बचा कर ले जाने की तोफीक पर पर अल्लाह हमारे ईमान की हमें कदरदानी नसीब फरमाए और तफर से शिरकत से जलालत से गुमराहियों से बगावत से अल्लाह की नाफरमानी से हम सबकी हिफाज़त फरमाए الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والضلال اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله غناكم عفرمان

और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते उन अमाल से बचने की हम सबको को एल्ला हमें तोफी अता फरमा बीमारों को शिफा अता फरमा मरहूमीन की मफरत फरमा परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा ए अल्लाह जो बग़ैर रोजी के हैं हलार रोजी के दरवाजे उन पर खोल दे और हराम के दरवाजों को सब पर बंद फरमा दे एल्ला जो तेरे प्यारे हो चुके हैं मोमिन मर्द औरतें अल्लाह उन सब की मफफरत फरमा उनके दर्जात को बुलंद फरमा उनकी बाल बाल मकफिलत फरमा अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमा वीम